हेलो एवरीवन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गेट ऑफ एनिमल्स। सो गेट ऑफ एनिमल्स का क्या मतलब है, पहले तो ये देख लेते हैं। द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट ऑफ एनिमल्स ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर स्केलेटन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड गेट्स ऑफ एनिमल्स। जैसे अभी हमने देखा ह्यूमन में हम मूवमेंट की बात कर रहे थे, राइट। अब एनिमल्स में क्या होता है, अलग अलग तरह का उनका स्केलेटन। अब हर ह्यूमन का स्केलेटन सेम होता है, राइट। ऑब्वियसली आप एक बड़े का बच्चे से कंपेयर नहीं कर सकते, बट आफ्टर ऑल वो भी ऐसा ही हो जाएगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एनिमल्स तो वो डिफरेंट होता है हर किसी का स्ट्रक्चर। तो उस मूवमेंट का, स्केलेटन स्ट्रक्चर की वजह से जो मूवमेंट होते हैं उसको स्टडी करने को वी आर गोइंग टू टेक इट एज गेट ऑफ एनिमल्स। सो अब इसमें हम धीरे धीरे करके जो भी आपकी टेक्स्ट बुक में एनिमल्स है एक एक करके उनको कंसिडर करेंगे। द फर्स्ट वन वी आर टेकिंग इज अर्थवॉर्म। सो अर्थवॉर्म पहले भी हमने पढ़ा था जब हम कुछ डिस्कस कर रहे थे कि वहां पे बोन्स नहीं होती, सिर्फ मसल्स होती है। लेट्स रीड इट आउट। द अर्थवॉर्म डज नॉट हैव एनी इंटरनल स्केलेटन। सो अर्थवॉर्म के अंदर कोई भी स्केलेटन नहीं होता। जैसे हमारी बॉडी में बोन्स की वजह से एक पूरा स्केलेटन, एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है, अर्थवॉर्म्स में ऐसा नहीं होता। सो द बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स जॉइंड एंड टू एंड एंड मसल्स अटैच्ड टू दीज रिंग्स help to extend and shorten the body. So, आराम से discuss करते हैं। The body is made up of many rings joined together. So, उसकी body कैसे बनती है? Rings एक साथ join हो रखी है end to end, end and muscles जो है they are attached to these rings और इन rings के साथ muscles attach होते हैं और यही muscles help करते हैं कि वो अपनी body को extend कर सकते हैं और shorten कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द स्किन ऑफ अर्थवॉर्म ऑल्सो हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स दैट हेल्प इट गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। सो उसकी बॉडी पे काफी सारे ब्रिसल्स होते हैं जिसकी हेल्प से जब वो वॉक कर रहा है या जब भी वो जा रहा है तो क्या होता है, उसको ग्रिप मिल पाती है जिससे वो होल्ड कर पाता है, ओके। सो अभी इसका एक और पॉइंट है, ये अर्थवॉर्म वाला कंप्लीट नहीं हुआ, सो लेट्स कंटिन्यू। सो नाउ अर्थवॉर्म वाला पहले तो कंप्लीट करते हैं। नाउ रिपीटेड एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन मीन्स एक्सटेंड मतलब बॉडी को जो उसकी स्ट्रेच होती है एंड कॉन्ट्रैक्शन मीन्स बॉडी को शॉर्टन करना। सो रिपीटेड एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी मसल्स अनेबल द अर्थवॉर्म टू मूव थ्रू द सॉइल। तो जब रिपीटेडली वो एक्सपैंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस वजह से वो सैंड पे भी मूवमेंट कर पाता है, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्नेल। आई होप सबने स्नेल देखा हो, नहीं भी देखा होगा तो आई एम श्योर पिक्चर्स वगैरह में तो देखा होगा। नाउ इट हैज स्लिमी बॉडी विच डज नॉट हैव बोन्स। अगेन स्नेल में भी देर आर नो बोन्स, उसमें भी कोई बोन नहीं होती। द शेल ऑफ द स्नेल, आपने देखा होगा स्नेल के ऊपर एक शेल होता है। सो द शेल ऑफ द स्नेल डज नॉट हेल्प इन मूवमेंट। सो वो मूवमेंट में कोई हेल्प नहीं करता, इट हैज टू बी कैरीड अलोंग। सो जो उसका बेस है वो जब मूव करता है तो वो शेल उसके साथ कैरी अलोंग करता है, राइट। देन द फुट ऑफ द स्नेल इज अ थिक स्ट्रक्चर एंड इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल। अब यहाँ पे देखो ये है फुट, द फुट ऑफ द स्नेल। अब वैसे अगर आप स्नेल का स्ट्रक्चर देखोगे अलग से आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि इसके पैर है, तो यहाँ पे इट इज गिवन अ नेम, यू कैन ऑल्सो रीड हियर, अ मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड फुट helps in locomotion. So snail की body में एक muscular organ होता है जिसका नाम है foot, वो help करता है locomotion. Locomotion is basically movement only. तो movement में help करता है। अब ये जो foot होता है of the snail is a thick structure and is made up of strong muscles. तो वो एक thick structure होता है और वो strong muscles से बना होता है, ओके। सो अभी हमने डिस्कस कर लिया अर्थवॉर्म एंड स्नेल। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टेबल पे।